हे गाइस, क्या हालचाल हैं आप सभी के। USBRL प्रोजेक्ट की अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कटड़ा रियासी सेक्शन को लेकर बात करने वाला हूं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में महज 17 किलोमीटर का सेक्शन ही अब बचा है, जिसके ऊपर काम आज भी चल रहा है और कई सारे लोग इसकी प्रोग्रेस जानना चाहते हैं। वैसे तो T1 टनल भी इसके अंदर ही आती है, लेकिन टनल T1 को लेकर बात कर चुका हूँ तो उसको लेकर चर्चाएँ नहीं करूँगा। इस वीडियो में अंजीखाड़ ब्रिज के साथ साथ इस पूरे ओवरऑल सेक्शन की फाइनल डेडलाइन में आज आपको बताने वाला हूं और आइए जानते हैं सभी चीज़ें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, भारतीय रेलवे से जुड़े कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। गाइस देखिए, एक चीज़ तो आप सीधी सीधी जानते हैं कि कटड़ा रियासी सेक्शन 17 किलोमीटर का है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं डिटेल में, लेकिन हाँ एक चीज़ तो आप जानते हैं कि रेलवे भी हाईलाइट करता है अंजीखाड़ ब्रिज को और T1 टनल को, क्योंकि यही दो वो चीज़ें थीं जिनको भारतीय रेलवे आज भी बना रहा है। हालाँकि T2 टनल को भी रेलवे ने हाईलाइट किया है और T2 टनल तैयार हो चुकी है। एक्चुअली में T2 टनल की लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी और लेकिन वो तैयार हो गई है। T1 टनल की भी लेंथ अच्छी खासी है, 3.2 किलोमीटर की, तैयार नहीं हो पाई है। T1 टनल को लेकर चर्चा नहीं करते हैं, पहले बात करते हैं अंजीखाड़ ब्रिज को लेकर, जिसका काम आप कह सकते हैं पूरा हो चुका है। अंजीखाड़ ब्रिज के ऊपर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें आप देखेंगे तो अंजीखाड़ ब्रिज के ऊपर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है ना, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हालांकि अभी भी रेलवे के जो वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को अपनी फाइनल फेज जो है वो आप कह सकते हैं दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, मैं आपको विजुअल्स भी दिखा रहा हूँ, यही दो चीज़ें हैं मेरे पास। तो अगर आप देखेंगे तो इन विजुअल्स में जो बलास्ट हैं वो ट्रैक के किनारे किनारे पड़े हुए हैं। बलास्ट फिलिंग का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट कर लिया गया है, अगर और किया जाता है तो वो किया जाएगा, अन्यथा यहाँ पे जो आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा में एक्सेस में जो हमारे पास बलास्ट है उसको यहाँ पे भारतीय रेलवे यहाँ से हटाएगा। साथों साथ में यहाँ पे रूफ जो आप देख रहे हैं ना, यानी जो इसकी यहाँ पे लेवल है इस अंजीखाड़ ब्रिज की, उसको यहाँ पे अब फिनिशिंग दी जा रही है। यहाँ पे अंजीखाड़ ब्रिज का ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है। और अंजीखाड़ ब्रिज पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन ब्लास्ट फिलिंग के अलावा और कोई काम यहाँ पे अब आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप कह सकते हैं कि अंजीखाड़ ब्रिज आपका तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ T1 टनल के अंदर काम चल रहा है, T2 टनल की रिसेंटली मैंने बात की, T2 टनल तैयार हो चुकी है। लेकिन T1 टनल के अंदर अभी आप देखेंगे तो काम जो है वो चल रहा है। T1 टनल को मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो यहाँ पे फाइनल डेडलाइन आप लोग कह रहे थे ना, वो डिपेंड करती है इस T1 टनल के ऊपर ही। और T1 टनल भी आप जानते ही हैं अगले 2 से 3 महीनों में ही तैयार हो पाएगी। हालांकि कटड़ा रियासी सेक्शन की प्रोग्रेस में इस वीडियो में शेयर करने आपसे आया था, जो कि मैंने आपको बताई भी कि क्या काम अभी फिलहाल हुआ है, और मैं आपसे फाइनल डेडलाइन भी शेयर करने वाला था। फाइनल डेडलाइन आप ये समझ लीजिए अभी सेप्टेम्बर चल रहा है और अक्टूबर नवम्बर में आपका जो आप कह सकते हैं T1 टनल का काम है ना, वो पूरा होगा। और आप ज़्यादातर यही समझ लीजिए कि 2025 में आपको ट्रेनें जो हैं वो फुल्ली जम्मू से श्रीनगर तक ऑपरेशनल मिल जाएंगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फाइनल डेडलाइन जैसी कुछ खास चीज़ें हैं नहीं और खुद से भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करनी चाहिए। बस इतना समझ लीजिए जो काम यहाँ पे चल रहा है ना, वो अगले 2 से 3 महीनों में कंप्लीट करने की बात की जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अपने दोस्तों में शेयर कर ही दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज़।